ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। स्टूडेंट, इन सेकंड क्वेश्चन प्रूव दैट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज अ इररेशनल। इट इज सिंपल बिकॉज इसमें हम लोगों को वो रूल्स नहीं फॉलो करने हैं जो हम लोगों ने रूट 5 को इररेशनल प्रूव करने के लिए किया था। यहां पे हम डायरेक्ट पहले तो इसका कंट्राडिक्टरी इलेक्ट करेंगे। लेट 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इररेशनल। हमने ये इलेक्ट कर लिया सबसे पहले कि इररेशनल नंबर है। देन अगर ये इररेशनल नंबर है तो आपको पता होना चाहिए इररेशनल नंबर a बाई बी के फॉर्म में राइट किया जाता है, p बाई क्यू के फॉर्म में। इसको वैसे ही राइट कर देंगे। देन 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू a पर b। रीजन देंगे a और b क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। a कॉमा b आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड ये जो b है वो डज नॉट इक्वल टू, ये जीरो भी नहीं हो सकता। ये भी ध्यान देंगे, ये जीरो नहीं होता है, बी जो है जीरो नहीं होता है। यहां तक तो सिंपल सी बात थी। इसमें आगे क्या करना है आपको, ये यहाँ पे अंडर रूट 5 आपको ऑलरेडी पता है कि यही है जो इरेशनल नंबर है। और आपने नाइन्थ में पढ़ा था द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल, तो इजीली इरेशनल है। बट यहाँ पे करना क्या आपको, 3 को सबसे पहले ट्रांसफर कर देंगे बेटा, तो ए अपान बी माइनस 3 हो गया। ओके, देन 2 को ट्रांसफर कर देंगे, रूट 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। देखिए 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये होल नंबर से डिवाइड करेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रेकेट का यूज कर दिया। इसका रेसिप्रोकल, 2 का रेसिप्रोकल यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग रूट 5 इज अ रेशनल राइट कर दिए। क्यों राइट किए, इसका रीजन दे रहा हूँ बेटा। रेशनल नंबर, आपको सारी बातें समझा रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज a कॉमा बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 1 अपॉन 2 इन ब्रेकेट a अपॉन बी माइनस 3 इज आर रेशनल, क्योंकि ये रेशनल है। और जब हम किसी नंबर से किसी का कंपेयर करते हैं, जैसे रेशनल का रेशनल नंबर से किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी तो रेशनल होगा क्योंकि उसके इक्वल है। इसीलिए रूट 5 भी क्या है, रेशनल नंबर है। ये तो ठीक है भाई, ये रेशनल नंबर है, बट हमको तो पता है कि रूट 5 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। दैट मीन्स दिस इज कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज अ रेशनल इरेशनल नंबर। रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स होती है। देखो ये कहा गया रहा है, ये सेंटेंस बोल रहा है बट, लेकिन ये कंट्राडिक्ट है उस तथ्य का, ये विरोध कर रहा है जो कि ये कह रहा था कि रूट 5 इरेशनल है। भाई हमको तो पता है ना रूट 5 इरेशनल है, तो उसका तो ये विरोध कर रहा है। सो आवर देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, तो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारा मानना गलत हो गया तो इन्होंने जो क्वेश्चन में दिया था वो सही है। हेंस 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर। ये आपका हो गया सिंपल का क्वेश्चन प्रूव। ओके,